हमलापुर में कोचिंग के बहाने नाबालिग बालक बालिकाओं को पढ़ाया जा रहा धर्मांतरण का पाठ। हिंदू सेना के पदाधिकारियों की सूचना पर मौके पर पहुंचा पुलिस बल, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। जी हाँ, हमारे बैतूल संवाददाता सचिन पात्रीकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बैतूल के हमलापुर क्षेत्र में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आदिवासी अंचल में, खास तौर से प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में धर्म सभाएं आयोजित कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, लेकिन जिला मुख्यालय पर भी मिशनरी सक्रिय हैं एवं आदिवासी एवं गरीब तबके के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका उदाहरण आज हमलापुर क्षेत्र में सामने आया, जहां कोचिंग सेंटर के बहाने नाबालिग बालक बालिकाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इसके अलावा कई घरों में लोगों ने अपने धर्म के प्रति आस्था छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। घरों में पूजा पाठ बंद कर प्रार्थना सभा में लोग भरोसा करने लगे हैं। हमलापुर क्षेत्र में लंबे समय से धर्म परिवर्तन को लेकर एक महिला के घर बाहरी लोगों का आना जाना रहता है। वार्ड वासियों की सूचना पर राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस की मदद से आज धर्मांतरण का भांडा फोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय सहित अन्य पदाधिकारी को जब हमलापुर क्षेत्र में बालक बालिकाओं के धर्मांतरण कराए जाने की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके से कुछ मिशनरी के लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। करीब 8, 15 से 16 वर्ष की बालिकाएं एवं छोटे बच्चों को यहाँ विशेष धर्म की प्रार्थना कराई जा रही थी। आज हमको सूचना प्राप्त हुई थी, कई दिनों से भी प्राप्त हो रही थी, कि हमलापुर क्षेत्र में एक महिला के मकान में धर्मांतरण कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर भोले भाले ग्रामीणों को लाकर, जो कि एक बालिकाएं होती है छोटी छोटी 18-19 साल की बालिकाओं को लाकर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। और ये मुझे प्रतीत होता है कि आज हमने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसमें एडिशनल एसपी मैडम को दी थी, और उन्होंने यहाँ से टीम गंज थाने को पहुँचाकर भारी पुलिस बल वहाँ पर गया। और हम लोगों ने वहाँ पर जब घर में पहुँचे तो वहाँ पर महिलाएं भी और कुछ लोग पकड़ाया, जिसमें एक पारसी भी ईसाई मिशनरी कोई संस्था से जुड़ा हुआ है, और महिलाएं भी पकड़ाई है, कुछ ग्रंथे भी पकड़ाए हैं, और उनके मकानों के अंदर में जो दीवारें हैं वो दीवारों पर भी बहुत सारी चीज़ें ईसाई मिशनरी और ही जो ग्रंथ होते हैं इनके, जो बाइबलों में लिखा हुआ होता है वो है, और उनको सबको अरेस्ट करके यहाँ पर गंज थाने में लेके आए हैं। और ये जो महिलाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, मुझे ये प्रतीत होता है कि ये ग्रामीण क्षेत्र की है, और इन लोगों की कहीं ना कहीं धर्मांतरण करा के इनको कहीं ना कहीं बाहर विदेश या कहीं पर शादियाँ करवाई जाती हैं ईसाई मिशनरी में। क्या सूचना मिली थी कि हमलापुर चौक में एक ज्योति और पूजा नाम की लड़कियाँ रहती हैं, उनके घर में कुछ धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, ईसाई धर्म परिवर्तन का, जिसमें फरियादी दीपक मालवीय द्वारा FIR की गई है, और उनके यहाँ से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिस पर FIR कर अग्रिम विवेचना की जाए। कितने लोगों के खिलाफ मामला? ये तो 3 लोगों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर रहे हैं जो धर्मांतरण से रिलेटेड। और बच्चे कितने हैं? बच्चियाँ 12-13 बच्चियाँ, बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ थे वहाँ पे जो मिले थे।